शहर इंदौर में एक बार फिर कोरोना के मरीजों ने अपनी बढ़त बनाते हुए अपने आंकड़े में बड़ा उछाल दिखाया है। 2 दिन पहले जहां पॉजिटिव मरीज 3 आए थे, वहीं पॉजिटिव मरीजों में आंकड़ों में जबरदस्त उछाल लेते हुए 13 कर दिया है। और आए बढ़ते मरीजों को लेकर जब स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों से बात की गई तो बढ़ते मरीजों का कारण कुछ इस तरह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएस सत्या ने बताया। सीएमएचओ डॉक्टर सत्या के अनुसार कोरोना महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 1393 रिकॉर्ड की गई है। और कोरोना मरीजों की तादाद को लेकर सीएमएचओ का कहना है कि बीती रात आए बुलेटिन में 13 नए मरीज सामने आए हैं। बढ़ते आंकड़ों को लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंतित है और इस महामारी में एक और मौत होना भी हाल ही में सीएमएचओ ने बताई। पॉजिटिव मरीजों के अचानक बड़े आंकड़ों को लेकर विभाग प्रदेश की लगभग सभी गतिविधियों का पूर्ण रूप से खुलना कहीं ना कहीं एक कारण है। शहर के आमजन खुले में बगैर मास्क के देखे जा रहे हैं, ये भी संक्रमण के पास करने का माध्यम हो सकता है। प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों को लेकर बात की गई तो उन्होंने सबसे पहले तो वैक्सीनेशन के दूसरे डोज को लेकर कुछ बातें स्पष्ट की और फिर खुले स्कूल और कॉलेजों में सावधानियां पूर्ण रूप से बरती जाए, इस बात को खास मीडिया के सामने पेश किया। बात के आखिर में शहर के वासियों को लेकर भी सामने आ रही है कि लापरवाही बढ़ते आंकड़ों को जिम्मेदार बताया। मास्क, सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी का भूलना भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण होना बताया है। कुल मिलाकर आंकड़े बढ़े और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी चिंता भी जाहिर की, लेकिन हर हाल के सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हर सूरत में करना होगा, तभी इस वायरस की बढ़ती चेन को काटा या रोका जा सकता है। सर, कोरोना बुलेटिन में क्या अपडेट है? बीती रात कितने आंकड़े हैं और अब तक की बात की जाए तो कितनी डेथ हो चुकी है? अभी तक हमारे पास कल जो आए हैं नए करीब 13 केसेस नए पॉजिटिव आए हैं, और उसमें जो डेथ की बात करें तो एक डेथ हमारी रिपोर्टेड हुई है, और अभी तक टोटल डेथ जो है वो 1393 लगभग हमारी डेथ हो चुकी है। कल के जो 13 केस आए उनमें से आईआईएम के जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ के 9 केसेस हमारे हैं, और एक केस जो है वो भोपाल का है, और बाकी दूसरे हमारे 3 केस हमारे यहाँ के हैं। सर, बीते दिन 3 आना, उसके बाद में 13 का मामला सामने आना, क्या मानते हैं? लगातार अभी जो देख रहे हैं हम लोग के जो त्योहारों का सीजन था वो सीजन भी ख़त्म हुआ, और अभी भी देख रहे हैं हम लोग की जो सारे बंधन जो गवर्नमेंट से जो थे कि वो शादियाँ भी ब्याह वगैरह या स्कूलें थी या फिर हमारा अलग अलग मीटिंग्स है या कहीं भी रहते हैं आयोजन वगैरह रहते हैं उनमें सारी जगह सभी छूट दे दी गई है। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि 90% से अधिक लोगों ने मास्क लगाना, सैनिटाइज का उपयोग करना और ये सब चीज़ें कम कर दी, मुश्किल से 5-10% ही जो है वो मास्क और सही तरीके से लगा रहा, कोई मास्क लगा भी रहा तो टूडी के नीचे आसपास जैसे लटका के चल रहे हैं, तो एक हो रहा है, तो एक लापरवाही तो चल रही है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो वैक्सीनेशन का जो सेकंड डोज का है वो भी हमारे यहाँ थोड़ा कम है, लगभग जितना टारगेट हमारा बनाया गया है कि नवंबर में हमको 100% कंप्लीट करना है तो 80% हो गया, मगर 20% का टारगेट अभी भी हमारा बचा हुआ है। सर, मरीजों की संख्या का बढ़ना, ऐसे में स्कूल और कॉलेजेस को ऑफलाइन 100% में खुलना कितना घातक मानते हैं सर? है, वो वायरस की वजह से थोड़ा तकलीफ तो आ सकती है, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं होगा तब तक ऐसी संभावना लगता है कि कम से कम ऐसा नहीं हो कि कहीं थर्ड वेव, क्योंकि अभी तक जो बच्चों में पॉजिटिविटी रेट है वो जो ज़रूर कम दिख रही है, तो ऐसा लग नहीं रहा, मगर देखें वक्त के साथ क्या होता है। तो सावधानियां जरूरी हैं स्कूलों कॉलेजेस में खुले, बट नेचुरल है कि सावधानी ही एक बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा साधन है, और कोविड को हम बचाने के लिए एकमात्र साधन यही है कि जब तक 100% वैक्सीनेशन हो जाएंगे तो एक अच्छा अचीवमेंट हो जाएगा हमारे जिले के लिए। आपका परिचय? मैं डॉक्टर बी एस सत्या, सीएमएचओ इंदौर।